चटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाथमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिव जटाकटाह संभ्रम भ्रम निलिंब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनी धगत 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 ज्वलललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षण। जय श्री महाकाल। आदेश, मैं चंद्रनाथ अघोरी आप सभी का अपने YouTube चैनल चंद्रनाथ अघोरी शिव शक्ति तंत्र मंत्र केंद्र में स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी और बेहतरीन साधना लेकर आया हूँ, जो मैं साधना देने जा रहा हूँ। ये साधना इस्लामिक साधना है और ये साधना पदी साधना है, और ये जो पदी है ये लाल पदी, जितनी भी पदियाँ होती हैं सब इस्लामिक होती हैं। तो और ये जो पदी हैं बड़े ही शौभ्य रूप वाली पदी हैं। अगर कोई साधक इनकी साधना कर लेता है तो वो अपने सारे कार्य सिद्ध कर सकता है। इनकी साधना करने के बाद साधक में दिव्य दृष्टि आ जाती है, फलक झपकते ही हर कार्य कर सकता है। ऐसा कार्य कोई नहीं जो इनके माध्यम से ना किया जा सकता। जो साधक लाल पदी की साधना करता है उसके धन के मार्ग खुलने लगते हैं, व्यापार में वृद्धि होने लगती है, कारोबार चलने लगते हैं, घर क्लेश शत्रु भय सब समाप्त हो जाते हैं और साधक तरक्की की राह पर चलने लगता है, यानी साधक को तरक्की मिलने लगती है। और ये जो लाल पदी हैं ये बड़े अब्बल दर्जे की पदी हैं, यानी बहुत ही शक्तिशाली हैं और इनकी कार्य क्षमता भी गजब की है। इनकी साधना के पहले दिन से ही साधक को दिव्य अनुभव शुरू हो जाते हैं। इनके माध्यम से आप किसी का भूत भविष्य भी जान सकते हैं, भूत भविष्य वर्तमान क्या हमारे साथ में घटने वाला है, क्या नहीं घटने वाला, कहाँ हमें पैसा लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए, क्या कार्य करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी जानकारी देती हैं। और सभी लोग आप परियों के विषय में जानते ही हैं कि परी कितनी शक्तिशाली होती हैं, और परियों के किस्से हर व्यक्ति ने सुने ही होंगे अपने दादा दादी के मुख या अपनी किताबों में पढ़े होंगे। तो ये साधना जो मैं दे रहा हूँ ये आपको पहली परी की साधना दे रहा हूँ। एक और परी की साधना मैंने निकाली है जो कि गुलफाम परी है, वो दूंगा। तो पहले ये साधना करें और लाभ उठाएं। जितनी भी मैं परी के बारे में जो लाल परी है इनकी तारीफ करूँ कम ही कम है। और एक बात और बता दूँ सभी साधकों से, इस साधना को जो व्यक्ति भय खाता है वो ना करे, क्योंकि जो परी साधना है परी अपने साधक की बड़ी ही डिफ़िकल्ट तरीके से परीक्षा लेती हैं। भयंकर रूप धारण करने के बाद साधक को डराती हैं, भयभीत करती हैं और साधना खंडित करने की कोशिश करती हैं ताकि साधक साधना ना कर पाए। तो ये साधना जो है 21 दिन की साधना है और 21 दिन में 1.25 लाख जाप करना है। साधना आप किसी भी शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं। साधना काल और शुक्रवार से शुरू करते कर सकते हैं। 21 दिन में 1.25 लाख जाप करना है। एक लकड़ी की चौकी ले लें और उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछा लें और दीपक प्रज्वलित करें घी का या चमेली के तेल का। तो भोग में आपको भोग जो लगाना है केवल खीर से लगाना है और गुलाब के इत्र की शीशी लेके आए, उसका फुहार रखना है प्रतिदिन। और आप जो साधना करें तो जो आपके वस्त्र रहेंगे वो लाल रहेंगे,
अपने आप के ऊपर भी आपको इत्र लगाना है। दिशा इसमें आपकी पश्चिम रहेगी, माला या तो लाल हकीक की रहेगी या फिर रुद्राक्ष की, वस्त्र आपके लाल रहेंगे। साधना काल में ब्रह्मचर्य अनिवार्य है, नॉन वेज का इस्तेमाल नहीं करना है। साधना काल में जो अनुभव हो वो शिवाय अपने गुरु के किसी से शेयर नहीं करने है। साधना आप संकल्प लेकर भी कर सकते हैं, बिना संकल्प के भी। तो एक माला गुरु मंत्र की कीजिए, एक गणेश मंत्र की कीजिए, और अपने इष्ट का आह्वान करें और साधना शुरू कर दें। इसमें आसन आपका कुशा का रहेगा। तो इष्ट का आह्वान करें, साधना शुरू कर दें। और कहूँगा कि कोई भी साधक जो साधना करे वो देवी स्वरूप मानकर करे, ना कि पत्नी प्रेमिका वगैरह के रूप में सिद्ध करे, ठीक है? तो साधना करे और लाभ उठाए। बड़ी ही लाजवाब साधना है, मेरा जहाँ तक मानना है कि आपको कहीं भी नहीं मिलेगी ये यूट्यूब पर, और ना ही मंत्र मिलेगा। तो अब विधान तो ये हो गया, आप मंत्र सुन लें। मंत्र है ओम सुलेमान लाल परी हाथ पर धरी, धरी खिलावे छुरी न लावे, कुज हरी। मंत्र एक बार और सुने, बिस्मिल्ला सुलेमान लाल परी हाथ पर धरी, धरी खिलावे चूरी ना लावे, कुज हरी। बड़ा ही सिंपल मंत्र है, कोई भी साधक बड़े आराम से कर सकता है। पहले कंठस्थ कर ले मंत्र को, और उसके बाद में साधना करे। अब आहुति किस चीज़ से करनी है, और एक बात और बताऊं कि जो आपने जो बैजोटा बिछाया जिसमें दीपक प्रज्वलित करा, वहाँ गुलाब के फूल स्थापित कर ले, यानी उनकी पंखड़ियाँ तोड़ के सेज सी सजा ले। तो 21वें दिन आपको, यानी जो 21 दिन की साधना, 21वें दिन आपको आहुति करनी है, और एक गुलाब की माला रखे और चंदन वगैरह रखे, इतर रखे, ये सारी सामग्री लास्ट वाले दिन रखे। और ये तो गुलाब को जो इतर है वो तो आपको फौरन रखना ही है प्रतिदिन। तो खीर का भोग लगाना है, चाहे तो आप रोज लगा सकते हैं प्रतिदिन, अगर प्रतिदिन नहीं लगा सकते शुरू लास्ट वाले दिन, तो पहले दिन और आखिरी दिन तो लगाना ही लगाना। तो उसके बाद क्या करना है कि आपको 11 माला से आहुति करनी है, आहुति इसी मंत्र से करनी है। उसमें हवन सामग्री ले लें, जौ ले लें, गूगल, काले तिल, इलायची, लौंगे, गुलाब का फूल, गुलाब के फूल लें, घी और खीर, खीर बना के उसमें मिक्स करके तब आहुति करें, और गुलाब का इत्र। तो आहुति करें 11 माला से, और 11 माला से आहुति करते ही साधक के सामने प्रत्यक्ष दर्शन देती हैं लाल परी, और सिद्धि प्रदान करती हैं। बड़ी ही लाजवाब साधना है। और एक बात बताऊं कि साधना काल में ब्रह्मचर्य नहीं टूटना चाहिए हर हाल में, अन्यथा नुकसान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, व्यक्ति पागल हो सकता है या फिर कुछ भी A to Z। तो फिर मत कहना कि गुरु जी ने कुछ नहीं बताया था, तो ये मेरी चेतावनी समझें। वही साधक करें जिसमें पात्रता है और अपने आप में श्रद्धा है। और कोई भी साधना करने से पहले साधक को पूर्ण रूप से आस्था होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि हम जिस शक्ति की उपासना कर रहे हैं वो 100% है, तभी आपकी साधना सफल हो पाएगी, अन्यथा नहीं होती है, ठीक है? तो साधना करें और लाभ उठाएं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो जब तक के लिए जय श्री महाकाल।